पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में मंगलवार को 65 डिप्टी एसपी और 85 आरक्षियों की पासिंग आउट परेड कराई गई। पासिंग आउट परेड की सलामी पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह ने ली। उन्होंने बताया कि इन सभी को प्रशिक्षण के दौरान फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी का प्रशिक्षण दिया गया है। कंप्यूटर की इन सभी को अच्छी जानकारी है, आने वाले समय में प्रदेश को अपनी सेवाएं देंगे। 65 डिप्टी एसपी में 13 महिला डिप्टी एसपी पासिंग आउट परेड में शामिल हुई। सुचिता सिंह को सर्वांग सर्वोत्तम चुना गया। 65 डिप्टी एसपी के दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षु डिप्टी एसपी रविशंकर को प्रथम कमांडर, अमितेश सिंह को द्वितीय और मंजरी राव को तृतीय कमांडर बनी। सुचिता सिंह को सर्वांग सर्वोत्तम चुना गया। अलग अलग जिलों में डिप्टी एसपी को तैनाती मिलेगी। पासिंग आउट परेड के बाद पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग पूरी कर चुके 3 डिप्टी एसपी को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तैनाती मिलेगी। एडीजी की ओर से इनकी तैनाती की लिस्ट जारी की जा रही है। स्मार्ट साउंड तौर पर मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल टूल्स और प्रोफेशनलिज्म पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो लर्निंग मैनेजमेंट कंटेंट है वो डिजिटल हो, लेटेस्ट टेक्निक्स हो। फॉरेंसिक साइंस पर बहुत ज़्यादा जोर रहा है, जिससे कि अपराध अन्वेषण में जो भी इनको जरूरत पड़ सकती है, आज जो हर चीज़ जो है एविडेंस फॉरेंसिक पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, उस लिहाज से इनको फॉरेंसिक टूल्स पर अच्छा ध्यान दिया गया है और साइबर सिक्योरिटी पर भी इनको बताया गया है। तो कंप्यूटर्स पर इनकी अच्छी जानकारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये अपना पूरा योगदान उत्तर प्रदेश पुलिस को देंगे। सर, जो सिचुएशन रही है पिछले कुछ दिनों में, तमाम जगह कुछ ग्रुप्स के द्वारा डिस्प्यूट्स किए गए हैं, क्लैशेज हुए हैं, तो इसको भी ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कि कैसे मैनेजमेंट करना? भीड़ नियंत्रण, अपराध कानून व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित जितने भी लॉ से संबंधित जो भी आईपीसी सीआरपीसी संबंधित जो बारीकी पहलू होते हैं वो सभी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर, किस विशेष इसमें ऐड किया जाएगा इन फ्यूचर, किस तरीके से अभी यूपी पुलिस के पास जब भी कोई ऐसे मामले आते हैं जो विशेष परिस्थितियां होती हैं उस पर केस स्टडीज बनाते हैं, इनको पढ़ाया जाता है। ये हमारे केस स्टडीज तो बहुत ज़्यादा निर्भर है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।